झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। इस गाने को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यह फिल्म अक्सर की बात हो रही है। साल 2006 में आई इस फिल्म की कहानी रोमांस से भरी होने के साथ साथ धोखे, सस्पेंस और दर्द भरी थी, जिसे फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदारों में पिरोकर बेहद ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा था। वर्तमान में इस फिल्म को पूरे 14 साल बीत चुके हैं। इन बीते 14 सालों में इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाई है जैसी कि पहले थी। पर इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें आप एक नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कुछ कलाकारों के बदले रूप से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नंबर 1, रजत बेदी। चीफ इंस्पेक्टर स्टीव की भूमिका अदा करते हुए एक्टर रजत बेदी नजर आए थे और अपने इस किरदार में ये छा गए थे। लेकिन इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले ये एक्टर इन बीते सालों में काफी बदल गए हैं। फिल्म में अपने किरदार में क्लीन शेव और स्पेक्स लगाकर यंग और जेंटल नजर आए ये एक्टर आज 51 साल की उम्र को पूरी कर चुके हैं, जिसमें ये काफी बूढ़े दिखते हैं और इनकी सफेद दाढ़ी भी आ चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया है और अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 2, तारा शर्मा। निशा की भूमिका अदा करते एक्ट्रेस तारा शर्मा नजर आई थी, क्योंकि राज की प्रेमिका थी और अपने किरदार को इन्होंने बखूबी निभाया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में निशा का किरदार निभाने वाली ये अदाकारा आज काफी बदल चुकी हैं। चाहे ये फिल्म में स्टाइलिश ड्रेसेस कैरी कर यंग लगती थी, वही आज ये 42 साल की उम्र को पूरा कर चुकी है और थोड़ी बूढ़ी दिखती है। इनके चेहरे पर रिंकल साफ दिखाई देते हैं। नंबर 3, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने इस फिल्म के अंदर रिकी की भूमिका अदा की थी, जो कि काफी ज्यादा आशिक मिजाज था, इसने लोगों का दिल भी जीता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के अंदर रिकी के किरदार में कभी ब्लेजर सूट तो कभी जीन्स टी शर्ट में नजर आने वाले ये एक्टर आज 41 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा यंग दिखते हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव है और इनका ड्रेसिंग सेंस आज भी काफी स्टाइलिश है। आपको बता दें कि आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है और इनकी आने वाली फिल्म है मुंबई सागा और चेहरे। नंबर 4, उदिता गोस्वामी। शीना की भूमिका अदा करते हुए अभिनेत्री उदिता गोस्वामी नजर आई थी, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में शीना के किरदार में बोल्ड ड्रेसेस कैरी कर ब्यूटीफुल नजर आई यह एक्ट्रेस आज काफी बदल चुकी है। आज ये 37 साल की हो गई है और थोड़ी मोटी दिखती है, साथ ही इनका हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है और ये पहले की तरह बोल्ड भी नजर नहीं आती। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया है और अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 5, डिनो मौर्या। शीना के पति और निशा के प्रेमी राज की भूमिका अदा करते हुए अभिनेता डिनो मौर्या नजर आए थे और अपने इस किरदार के साथ लोगों के दिलों पर छा गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राज का किरदार निभाने वाले अभिनेता आज काफी बदल चुके हैं। जहाँ ये फिल्मों में ब्लेजर सूट और हैंडसम दिखते थे, वही आज ये 45 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं और आज इन्होंने अपने बाल भी बढ़ा लिए हैं और साथ ही इनकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आपको इनमें से किस कलाकार का बदला हुआ रूप देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।